उन्होंने मेरे दो सबसे शानदार मंत्री गिरफ्तार कर लिए, मनीष सिसोदिया और सतिंदर जैन। सतिंदर जैन वो शख्स है जिसने फ्री बिजली देना शुरू किया था दिल्ली के अंदर। उसने सारा, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है वो, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, सारा मेरे पास हिसाब किताब लेके आया। एक दिन बोला, सर जी दिल्ली की बिजली मुफ्त हो सकती है। मैंने कहा कैसे हो सकती है, तो कागज लेके आया। कहता है देखो सर, इतने पैसे चाहिए, ऐसे बिजली मुफ्त कर देंगे। उसने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उसने दिल्ली के सारे अस्पतालों में सारी दवाइयां मुफ्त कर दी। प्रधानमंत्री जी ने उसको जेल में डाल दिया। एक मनीष सिसोदिया है भाई साहब, 75 साल हो गए आजादी के, आज भी हमारे देश का एक गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। आज यहां पे मध्य प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार है, व्यापम घोटाला, मुझे लगता है आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला होगा। कोई कह रहा 8,000 करोड़ का, कोई कह रहा 10,000 करोड़ का, 45 से ज्यादा लोग मर गए। प्रधानमंत्री जी ने किसी को जेल नहीं भेजा, क्यों? अपने थे सारे। प्रधानमंत्री जी को, मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, व्यापम घोटाला दिखाई नहीं दिया। कोई मेरे को कह रहा था यहां पे एक WCD वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट, उसमें 100 करोड़ का घोटाला हो गया, मामा जी उसके मंत्री हैं, उसमें फर्जी आंगनवाड़ी, फर्जी लाभार्थी, सारा फर्जीवाड़ा, 2200 करोड़ का कटनी हवाला। मेरे को आज मैं आ रहा था, कई सारी लिस्ट देके गए हैं लोग, इतने घोटाले, किसी को जेल नहीं भेजते प्रधानमंत्री जी, किसी को जेल नहीं भेजते।